प्रदेश में एंटीबायोटिक के दवाइयों के सही उपयोग की जानकारी देने और दुरुपयोग की रोकथाम के लिए प्रदेश में एंटीबायोटिक अवेयरनेस वीक मनाया जा रहा है, जो 18 नवंबर से 24 नवंबर तक चलेगा। इसके तहत एंटीबायोटिक दवाइयों के इस्तेमाल के प्रति जागरूक करने के लिए एक मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें सभी जिलों से डॉक्टर्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स शामिल हुए। नेशनल हेल्थ मिशन के अपर संचालक डॉक्टर पंकज शुक्ला ने बताया, एंटीबायोटिक दवाइयों का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से अत्यधिक इस्तेमाल शरीर के अंगों को नुकसान भी पहुंचा सकता है, इसलिए डॉक्टरों की सलाह पर ही एंटीबायोटिक दवाइयों का सही रूप से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वहीं कार्यशाला में डेयरी और पोल्ट्री फार्मिंग में एंटीबायोटिक के उपयोग पर भी विस्तृत रूप से चर्चा की गई। अभी 2008-11 के बाद से नई एंटीबायोटिक की खोज बंद हो गई। पुरानी एंटीबायोटिक का हम लोगों ने इरेशनल यूज किया है। अब हमको ये करना है कि हमको ये एंटीबायोटिक प्रिजर्व करना है, जिससे हमें आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चों को, हमारे आगे वाले पीढ़ी को एंटीबायोटिक की जरूरत पड़े, तो ऐसा ना हो कि हमारे पास कोई एंटीबायोटिक ना हो और हमको पुराने जमाने के हर्बल मेडिसिन से आयुर्वेदिक दवाइयों पर ही निर्भर करना हो।